देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज तीसरे दीक्षांत समारोह के आयोजन के दौरान फिर छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगे मनवाने पर जोर दिया। इस दौरान जेएनयू में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद थे, तो छात्रों की क्या है मांगे, आइए देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अक्सर प्रशासन और छात्रों के बीच तल्खियों की खबरें आती रहती हैं और अब एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर जेएनयू से सामने आ रही है। जी हां, जेएनयू के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के एक फैसले के खिलाफ कई दिनों से मोर्चा खोला हुआ है। ये फैसला है हॉस्टल मैनुअल और फीस में बढ़ोतरी करना, जिसे लेकर कई छात्र संगठन प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपने फैसले पर अडिग है, जिसे लेकर दिन ब दिन छात्रों का विरोध तेज होता जा रहा है। आज सुबह ये प्रदर्शन और उग्र हो गया। दूसरी तरफ जेएनयू में दीक्षांत समारोह का आयोजन भी हुआ, जिसमें शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जेएनयू पहुंचे। इसी दौरान छात्र फीस का विरोध करते हुए पुलिस से भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक दीक्षांत समारोह की तैयारी चल रही थी। तकरीबन 10 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंच चुके थे। जैसे ही उपराष्ट्रपति हॉल में दाखिल हुए, वैसे ही बाहर छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच जेएनयू छात्र संघ ने विरोध मार्च भी निकाला। ये विरोध मार्च हॉस्टल फीस बढ़ोतरी और ड्रेस कोड के मसले पर हो रहा है। जेएनयू के छात्रों का कहना है कि जब उनकी फीस में कटौती की मांग को स्वीकार नहीं किया जा रहा, तो उन्हें दीक्षांत समारोह मंजूर नहीं है। हॉस्टल फीस बढ़ोतरी का मामला यूनिवर्सिटी में काफी आगे बढ़ चुका है और इसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। छात्र संघ ने छात्रों से अपील करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुटने और मार्च में शामिल होने के लिए कहा है। छात्रों की मांगे हैं, फीस बढ़ोतरी का फैसला वापस लिया जाए, हॉस्टल में कोई सर्विस चार्ज न लिया जाए, न ही हॉस्टल में कोई ड्रेस कोड लागू किया जाए, हॉस्टल में आने जाने के टाइम की पाबंदी को खत्म किया जाए। दरअसल यूनिवर्सिटी ने 23 अक्टूबर से जेएनयू कैंपस के गेट बंद करने का नया नियम लागू किया था। इसकी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विभाग के डीन की ओर से मिले एक नोटिस के जरिए छात्रों को दी गई, जिसके बाद ये मामला बढ़ता जा रहा है। न प्रशासन झुकने को तैयार है और न छात्र प्रदर्शन खत्म करने को तैयार है। ऐसे में अब ये मामला कब और कैसे शांत होता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।